Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today in this video lecture we will learn isomers and its types. In this video lecture we will discuss definition of isomerism, types of isomers, structural isomers and stereoisomers. तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल अल्फ़ा केमिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स. टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी ना हों, मुख्तलिफ हों, तो हम इनको आइसोमर्स कहते हैं. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं. मीन के दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हों और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनके प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर क्या है, ये एक दूसरे से डिफरेंट हों, तो हम इनको आइसोमर्स कहेंगे. द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव आइसोमर्स इज़ ब्यूटेन. जो सिंपलेस्ट सादा सा हाइड्रोकार्बन जो कि आइसोमरिज्म के फिनोमेनन को शो करता है वो एक ब्यूटेन है, C4H10, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ देखते हैं. एनब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने शो किए गए हैं. एनब्यूटेन क्या है कि इसमें कार्बन एटम एक चेन में है और आइसोब्यूटेन में कार्बन एटम चेन में भी हैं और एक साइड चेन भी लगी हुई. दोनों मॉलिक्यूल में देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है. एनब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 हैं. इसी तरह से आइसोब्यूटेन को देखें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 10 हैं. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की तरफ. टाइप्स ऑफ आइसोमर में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं आइसोमरिज्म के, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं एंड स्टीरियो आइसोमर्स जिनको हम स्पेटियल आइसोमर्स भी कहते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स को मज़ीद दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, कन्फॉर्मर्स एंड सीज एंड ट्रांस आइसोमर्स. सो फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स इज़ द टाइप ऑफ आइसोमर इन विच मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न. कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा लेकिन एटम के बॉन्डिंग जो है वो चेन के ऊपर डिफरेंट होंगी. आप देखें फर्स्ट जो आपके पास मॉलिक्यूल है प्रोपेन का, इसमें फ्लोराइड एटम एक लगा हुआ है. फर्स्ट वाले में जो फ्लोराइड है वो सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर लगा हुआ है चेन पे, और सेकंड मॉलिक्यूल पे जो फ्लोराइड एटम है उसकी पोजीशन डिफरेंट है. इसको हम पोजिशनल आइसोमर भी कहते हैं. तो हम अब हम डिफाइन करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को, जिसको हम स्पेटियल आइसोमर्स भी कहते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें हम स्पेस में एटम्स की कनेक्टिविटी को देखते हैं कि स्पेस में डिफरेंट होने की वजह से हम इनको आइसोमर्स कहते हैं. लेट्स डिफाइन स्टीरियो आइसोमर्स. टू मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब एज स्टीरियो आइसोमर्स. दो मॉलिक्यूल को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे इफ़ दे आर मेड ऑफ सेम एटम्स. दोनों क्या हों, सेम एटम से बने हों एंड कनेक्टेड इन द सीक्वेंस, और दोनों सीक्वेंस में जुड़े हुए हों. बट द एटम पोजिशन डिफरेंटली इन स्पेस, लेकिन उनकी जो पोजिशन स्पेस में है वो डिफरेंट हो, तो हम इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. और नेक्स्ट इनकी जो दो टाइप्स हैं इस बेस पे हैं कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हों तो हम इनको एनेंशियोमर्स कहेंगे, और अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज ना हों तो हम इनको डायस्टीरियोमर्स कहेंगे. दोबारा से बता देता हूँ कि अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो हम इनको
इनेंशियोमर्स कहेंगे, और अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो हम इनको डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। डायस्टीरियोमर्स को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर एंड कन्फॉर्मर्स, जिनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि दो कार्बन एटम डबली बॉन्डेड होते हैं और इनको हम रोटेट नहीं कर सकते, और इनकी जो हम पोजीशन रोटेट करके नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आपको पहले बताया है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स आइसोमर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, जो इनेंशियोमर्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सिस ट्यूब्यूटीन और ट्रांस ट्यूब्यूटीन, अगर हम इन दोनों को उठा के एक दूसरे दोनों स्ट्रक्चर को मिला के रखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, कि मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे, तो इसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है जी, डायस्टीरियोमर्स की जो दूसरी टाइप है इसको हम कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। कन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन करते हैं हम, आइसोमर्स हैविंग द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी सीक्वेंस, कि आइसोमर्स जो है उनके कनेक्टिविटी सीक्वेंस जो है वो सेम होती है एंड कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, और इनको हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली कैसे, रोटेशन करके। ठीक है, आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर शो किया गया है ये एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक कार्बन एटम को सर्कल के साथ शो किया गया और एक कार्बन एटम को डॉट के साथ शो किया। सर्कल के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा, दो हाइड्रोजन लगे, और जो डॉट वाला है सामने वाला उसके ऊपर एक मिथाइल और दो हाइड्रोजन लगे हैं। अगर हम इनको रोटेट करें ठीक है तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं ब्यूटेन का। यहाँ पर फर्स्ट एक वन ब्यूटाइन दिया गया है और सेकंड स्ट्रक्चर है 1,3 ब्यूटाडाइन दिया गया है। दोनों स्ट्रक्चर में आप देखें डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करें तो फर्स्ट वाले में 1-butene में जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी, 4 हैं, 4 हैं, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं जी, 6 हैं। इसी तरह से 1,3 ब्यूटाडाइन में देखें जिसमें 1 और 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, डेफिनेटली 4 हैं, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वो 6 हैं। ठीक है, 1-butene एंड 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के, और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में सेम है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्टीरियो आइसोमर्स देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर में आपके पास जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये है 3,4-dimethyl हेक्सेन के, तीनों स्ट्रक्चर का नाम सेम है 3,4-dimethyl हेक्सेन, लेकिन क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। हमने कहा था दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट दो स्ट्रक्चर देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। कैसे, आप देखें कि इस फर्स्ट वाले ग्रुप में ये मिथाइल जो है, ठीक है, अगर हम इसको मिरर के सामने रखें तो ये सामने शो होगा, ये करीब शो होगा, और इसके बाद जो दूसरी जो है चेन लगी हुई, साइड चेन लगी हुई, ये उससे पीछे, और इस तरह से ये थर्ड वाला, और इस तरह ये लास्ट वाली जो चेन है ये इस तरह से, जैसे कि हमने एक मालिक्यूल को मिरर के सामने रखने तो वो उसका जो है वो पूरा एक अक्स जो है वो शो करें। जो थर्ड है ये भी एक आइसोमर है, ठीक है, लेकिन इसका मिरर इमेज यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये तीनों एक दूसरे के स्टीरो आइसोमर्स में, कैसे स्टीरो आइसोमर है कि इनके जो कार्बन के कनेक्टिविटी है, ठीक है, साइड चेन के जो कनेक्टिविटी है वो सेम है, एक जैसी है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन इनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है, ठीक है, इनके कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है, जिसकी बेस में हमने इनको स्टीरो आइसोमर्स कहा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल to support us because it's free. Thank you. और यहाँ तक इस लेक्चर में अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप हमें कॉमेंट करें, मेक श्योर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।